नमस्कार एसएमएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बुलंदशहर के अंदर और बुलंदशहर के अंदर बनाया जा रहा है प्रथम मौत महोत्सव, जिसके अंदर हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ यहां पर आई है और यहां का कार्यक्रम का नजारा इतना खूबसूरत है कि वो देखते ही बनता है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी झलकियां। बुलंदशहर के अंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। ये भव्य कार्यक्रम प्रथम बौद्ध महोत्सव के नाम से जाना गया। बैक्सी ने इस भव्यता को बनाने के लिए अपने नाम के अनुरूप काम किया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता वहां के जाने माने पूजनीय भिक्खु प्रज्ञा रश्मि महाथेरा ने त्रिशरण पंचशील के साथ की, जो वहां आए हुए उपस्थित 10,000 से ज्यादा लोगों ने बहुत शांति के साथ ग्रहण किया। कार्यक्रम के सबसे ज्यादा अजीज हरदिल अजीज और सब लोगों के प्यारे मुख्य अतिथि जस्टिस सीएस कन्नन, जो कोलकाता हाई कोर्ट के जाने माने वकील और अपने जितने भी जजमेंट हैं उनके लिए अब और बाद में जीवन भर जाने जाने वाले हरदिल अजीज वहां के मुख्य सितारे रहे। लोगों की चाहत इस कदर थी कि हजारों लोगों ने उनके साथ में सेल्फियां ली और उन्होंने भी खुले दिल से सबका स्वागत किया। प्रमुख वक्तागण जो आए उसमें सबसे मुख्य डॉक्टर राजकुमार जी, जो लगभग 2,500 से 3,000 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के एक समूह के लीड करते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और साहब काशीराम जी के साथ 31 साल लगातार काम करने के बाद उनके वक्तव्य के अनुसार साहब काशीराम ने जो 2006 में 50वें गोल्डन धम्म दीक्षा समारोह के लिए 6 करोड़ लोगों का आह्वान किया था, वो आह्वान अभी अधूरा है। भारत को बुद्धिस्ट भारत या बौद्धिक भारत बनाने के लिए अभी प्रयास जारी हैं। सुधीर राज सिंह जाने माने धम्म प्रचारक और धम्म देशक, सम्यक धम्म देशक के नाम से मशहूर, जिनकी वीडियो पूरी दुनिया के अंदर प्रख्यात है, उन्होंने बताया कि चमार जाति चीवर सबसे बनी है। ये सब लोग चीवरधारी हैं। पूरे साहित्य में कहीं भी चमार शब्द नहीं मिलता, ना ही बाद के साहित्य में मिलता है। चमार शब्द की उत्पत्ति अचानक से किन लोगों ने की, ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, क्योंकि इस शब्द को बहुत अपमानित किया गया और ये शब्द झूठा है, किसी साहित्य में ये नहीं मिलता है। बौद्धों की परंपरा पुरानी है, ऐसा उन्होंने बताया। डॉक्टर राहुल राज जो BHU यूनिवर्सिटी से आए, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में धम्म कैसे काम करता है बड़े खूबसूरत तरीके से अंदाज से बताया। डॉक्टर JS आर्या ने त्रिशरण पंचशील के बारे में जानकारी दी। तो अर्चना गौतम जो धम्म सेविका हैं, उन्होंने महिलाओं में धम्म का कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे महिला इस कुति से बाहर आए निकल के इस पर जोर दिया। डॉक्टर रतनलाल जो जाने माने DU के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी ओजस्वी भाषण में सभी समा बांधा और छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से लोगों को बताया। करमवीर सिंह बौद्ध और राजशेखर बंधु, ये एक टीम जो हरियाणा की है, करमवीर सिंह बौद्ध ने बताया कि कैसे हरियाणा के अंदर वो पिछले 20 साल से धम्म का कारवां इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब वहाँ पर हथीन, रानीखेत और सबसे ज़्यादा चिनेटी जो यमुना बिहार के अंदर है, थनेसर जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ जगह जगह कुरु प्रदेश के अंदर ये बिखरा हुआ है। सारे वक्ताओं को लोग ध्यान से बहुत ध्यान से सुनने के बाद वहाँ के विशिष्ट अतिथि सतीश चंद जी, जो PCS रिटायर्ड रहे हैं, ADM रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से वहाँ का सबसे बड़ा बुद्ध विहार बना। वो बुद्ध विहार जो पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रमुख है और सबसे बड़ा है, उसका निर्माण कार्य और उसका देख रेख और उसका पूरा बनाने का काम आपके द्वारा हुआ, उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर एडवोकेट KK L पॉल जी, JC आदर्श, डॉक्टर हरविंदर, डॉक्टर DP अशोक विशिष्ट अतिथियों में वहाँ रहे। इस पूरे वक्तव्य के साथ साथ जो सबसे प्रमुख बात थी, क्योंकि बैक्सी संस्था ने इसको प्रथम बौद्ध महाउत्सव का नाम दिया, महाउत्सव के अनुसार वहाँ एक मेला लगा जिसमें जाने माने गायक सतविंदर आज़ाद पंजाब से अपनी टीम और ऑर्केस्ट्रा के साथ आए। धम्म प्रिया और धम्म रक्षिता नाम की
छोटी छोटी बच्चियों ने वहाँ बाबा साहब के गानों पर सुंदर सुंदर डांस किए। बुद्ध मित्रा जो बुलंदशहर की ही हैं, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए। विजय कुमार सैनी जो सियाने के गायक हैं, उन्होंने समा ऐसा बांधा कि सारे लोग बहुजनों के SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाचने कूदने लगे। शशि भूषण जी जो बुलंदशहर के ही हैं, उन्होंने अपनी गायकी से समा बांधा। किशोर कुमार पगला जी ने पूरा जोश के साथ गायकी करते हुए पूरा समा बांधा और एक एक आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये सारा का सारे मेहनती कार्य बुलंदशहर जिले के अंदर बहुत दिनों बाद हुआ है। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थान पे रविंद्र नाट्यालय यानी रविंद्र ऑडिटोरियम के अंदर नुमाइश मैदान में ये हुआ, वो नुमाइश मैदान का ऑडिटोरियम आज तक कभी नहीं भरा। मगर वहाँ इस कार्यक्रम में ये ना केवल भरा, लोगों ने पीछे खड़े होकर भी देखा, लोग फिर भी आते चले गए। वहाँ मेला लगा रहा तो LCD स्क्रीन बाहर लगा के लोगों का इंतजाम किया गया। लोगों ने बाहर खड़े होकर इसको देखा। सुबह ये 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हुआ तो रात के 10 बजे आयोजकों ने जो संगीत के जाने माने नाम थे उनको कहा कि अब आप संगीत बंद कर दें क्योंकि लोग जाने को तैयार नहीं हैं, और लोगों को रिक्वेस्ट किया कि रात बहुत हो गई है, अब आप चले जाइए।